नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और आज सुबह की चाय में खबर की चाय हम पिएंगे पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब के साथ। बहुत बहुत स्वागत है देव प्रकाश जी। जी धन्यवाद। पहले सुबह की चाय के साथ हम सुबह की कॉफी ले लेते हैं आपके साथ। चलिए आप कॉफी ले लीजिए। तो देखिए, मैं जो आज चर्चा करना चाहता हूँ, सुबह सुबह आप बिल्कुल तैयार भी हो गए हैं, लेकिन आज छुट्टी का दिन है और के पाठक, बेहद चर्चित आईएएस प्राधिकारी, बिहार में शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव, उनकी छुट्टी तो कल ही समाप्त हो गई 16 जनवरी। वे 16 जनवरी तक छुट्टी पर रहे, लेकिन आज सचिवालय में अवकाश है, राज्य सरकार में अवकाश है गुरु गोविंद सिंह को लेकर। तो आज यदि अवकाश न होता तो के पाठक को सचिवालय आना, शिक्षा विभाग में ही आना। कई तरीके की चर्चाएं रही, आपको भी पता है, जब वे छुट्टी पर जा रहे थे पहले यह खबर आ गई कि इस्तीफा दे दिया, फिर दूसरी खबर आई कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ दिया। के पाठक, देखिये बिहार में इतने सारे आईएएस, लेकिन चर्चा के पाठक की हो, और के पाठक के बारे में कहा जा रहा है वे जनता के हीरो हो गए, और उन गरीब लोगों के जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते, जिनके पास पैसे हैं, वे तो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि एक इंटरेस्ट समूह है कि वह के पाठक के तबादले के लिए लगातार प्रयासरत है, कुछ भी खर्च करने को तैयार है। इसमें कोचिंग वाले हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि यदि सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधर गई तो फिर उधर जाएगा कौन। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आपने भी शायद सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होगी। तो के पाठक जो चर्चा में है, जिन्हें आज छुट्टी न होती तो आज कार्यालय आना था, तो के पाठक को क्या लौट जाना चाहिए? के पाठक क्या अभी बिहार की जरूरत है, या के पाठक बोझा हो गए हैं? देव प्रकाश जी, सुबह की चाय आप कॉफी पी रहे हैं, अपनी राय रखें। देखिए, इसके पहले कि व्यक्ति विशेष को कुछ हम लोग डिस्कस करें, तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम को डेवलप डिस्कस कर लें। अपने संविधान के चैप्टर 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में कहा गया है, कहा गया स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड जो होंगे वो गवर्नर होंगे, और गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली आप यह समझ लीजिए कि पीपुल ऑफ द स्टेट के उत्तर अकाउंटेबल हैं, उत्तरदायित हैं, आंसरेबल हैं, वो चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है। गवर्नर चूंकि इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड वन होते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर को ही माना जाएगा। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष किसी एग्जीक्यूटिव को ज्यादा हम लोग पावरफुल नहीं मानते। आपने अगर ये मान लिया कि उन्होंने 9 से 5 शिक्षक को कर दिया तो मुख्यमंत्री ने उसको अंडू कर दिया, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री फोन करके बोलेंगे देखिए जाए इसको देख लीजिए और कर लीजिए, नहीं, मुख्यमंत्री आदेश कर सकते हैं। बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, स्टेट वो है, सारा पावर स्टेट का उनमें निहित है, न कि के पाठक में या किसी व्यक्ति विशेष में निहित है। दूसरी बात मैं यह भी बता दूं, किसी भी विशेष एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा करने से पहले, बिहार में बहुत सारे अच्छे एग्जीक्यूटिव भी हैं। आपने देखा बिहार बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, जिसमें प्रत्यय अमृत साहब उसमें थे और काफी अच्छी व्यवस्था हुई, लेकिन उन्होंने कोई इस ढंग का आदेश तो नहीं किया। बिजली विभागों में जाते भी थे, एक आध बार सारे लोग काफी खुश थे, उसमें योगा होगा कार्यक्रम हुआ था, और बीच में गए थे किसी ऑफिस में, देखा है कि योगा की घंटी बजी और लोग योगा करने लगे थे। देखिए, अपने यहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें लीडरशिप आना चाहिए। पता नहीं जो इनकी ट्रेनिंग मसूरी की ट्रेनिंग है उसमें क्या अवगुण है कि कुछ एक लोग इस ढंग से हो जाते हैं, ये समझ हमको बात नहीं आती है। मैनेजमेंट इज द सिस्टम, लीडरशिप इज द सिस्टम, लाठी से सरकार नहीं चलती। और कई एक बार मुख्यमंत्री को इंटरवेन करना पड़ा, आपने भी देखा है। अपने बिहार में बहुत सारे बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव भी हैं, उदाहरण के लिए नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन अपने चीफ सेक्रेटरी को ही आप देख लीजिए, उनसे सख्त, उनसे ड्राई ऑनेस्ट, उनसे बेदाग व्यक्ति पूरे बिहार में शायद ही कोई आदमी हो। मैं बता दूं कि उनके पास हम लोग भी कई बार बहुत सारे इशू को लेके जाते हैं और उनसे हम बहस भी करते हैं कई एक बार जाकर के, और कई एक बार हम सरकार के विरोध में भी बोलते हैं। मुझको कभी नहीं याद है कभी इरिटेट किए हैं हमारे साथ, वो डिस्कस करते हैं।
देव प्रकाश सिंह साहब आपको हम बीच में रोक रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि के पाठक लाठी से शिक्षा विभाग को चला रहे हैं? देखिए उनका जो अभी काम चल रहा है उसमें बहुत सारा अच्छा काम भी ये हुआ है कि गांव देहात में किसी को अगर वोटिंग की बात हो जाए तो के पाठक वोट से मेजोरिटी में जीत जाएंगे, क्योंकि आज कोर्ट में भी चर्चा हो रही है चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए जीत जाएंगे कि लोग जो गांव घर में जो लोग हैं उनको लग रहा है कि स्कूल की शिक्षा बेहतर, आपने शुरू में ही चर्चा किया कि हम लोग भी गांव के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छे गुणी शिक्षक लोग थे और काफी मन से पढ़ाते थे, यहाँ तक स्कूल टाइम के बाद भी पूछने जाते थे बताया करते थे, वो शिक्षा को वापस लाया जाए बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन व्यवस्था का तरीका यह नहीं हो सकता कि कोई शिक्षक दोपहर में टिफिन आवर में धूप सेक रहा हो सस्पेंड कर दिया जाए उसको। कल कुछ शिक्षक हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान कहा गया कि इनको सैलरी नहीं मिलेगी, हमने उस समय ही आप ही के यहाँ बाइट दिया था, हमने कहा था ट्रेनिंग इज एज गुड एज सर्विस, अगर अभी आप लोग जॉब के लिए भले ही चुप हैं कल कोर्ट में केस करेगा तो उसकी सैलरी मिलेगी। लेकिन कल उसने कहा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, उन्होंने नहीं अलाउ किया था, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। तो रूल ऑफ लॉ के लिए जो सब रहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ चलाते हैं, हम उनको बेस्ट एग्जीक्यूटिव मानते हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव जो अपना रूल चलाते हैं दैट इज अगेंस्ट एंड कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलत बात है। हम सिस्टम के कोई एक स्पॉक है, स्पॉक मात्र है समूचे के, तो हम उस सिस्टम में जो गवर्नेंस का सिस्टम बना उसी समय काम करना चाहिए, व्यक्तिगत रूल व्यक्तिगत व्हिम्स एंड फैंसीज का डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, चाहे कोई हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, और ऑफिसर तो मान लीजिए उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनकी बात अलग है, हम व्यक्ति कभी डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी ऑटोक्रेट बनने का प्रयास न करे, ऑटोक्रेट बनने का चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है, लेकिन आप यह मानते हैं जो प्रकाश सिंह साहब की जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में थी, डेथ बेड पर था, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति हो गई, के पाठक क्या कह रहे हैं स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षक महीने महीने भर गायब रहते थे, एक दिन जाते थे, हाजिरी बना देते थे, तनख्वाह पगार पा लेते थे, बेंच नहीं था, स्टूल नहीं था, तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। और फिर वही हम बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अब जा कौन रहा है, अभी देखिए इतने बड़े पैमानों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, सभी चाहते हैं कि शहर में ही पदस्थापना हो जाए, के पाठक ने कहा ये नहीं हो सकता है, आपको गांव में जाना होगा, और यदि हम मजदूरों के बच्चों को गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो फिर हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे। तो के पाठक के जो ये फैसले आप कह सकते हैं कि इन फैसलों में ज्यादा कड़ाई है, लेकिन आपने कई उदाहरण देखे होंगे, पंजाब का आतंकवाद आपने जाना है पहचाना है, यदि केपीएस गिल ने अपने तौर तरीके से पंजाब में आतंकवाद को कुचला नहीं होता तो क्या पंजाब शांत होता? आपने जंगल राज का दौर भी देखा है, और जो मौजूदा डीजीपी आरएस भट्टी है जब वे एसपी थे तो किस तरीके से गंगा लाभ कराते थे अपराधियों को, वह भी आप कह सकते हैं कानून से परे था, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति फैसले लेने होते हैं तभी। मैं कल ही चर्चा कर रहा था अजीत द्विवेदी जी के साथ, जिक्र आ गया शहाबुद्दीन और पप्पू यादव कि ये अपने क्षेत्र में सांसद थे, इनकी पहचान भले ही जो थी, लेकिन जब शहाबुद्दीन ने कहा कि डॉक्टरों को इतनी ही फीस लेनी होगी, गांव के अस्पतालों में जाना होगा, शिक्षकों को जाना होगा, पप्पू यादव ने कह दिया पूर्णिया को बिजली नहीं मिलेगी तो नेपाल बिजली नहीं जाएगी, डॉक्टर डर के मारे दौरे चले जाते थे अस्पताल में जो जाते ही नहीं थे प्राइवेट क्लिनिक में, तो के पाठक करते भी क्या, इतने थिर हो गए थे लोग कि दंडा तो चलाना ही था ना। दीप्रकाश जी नहीं, मैनेजमेंट से भी काम हो सकता था, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस ढंग की पोलिटी की बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा क्रिमिनोलॉजी का आप एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो छोटे बच्चे थे, बिहार में बेगूसराय बहुत नामी क्रिमिनल थे, जिनका क्रिमिनल ने स्मगलर थे, उनका नाम था कामदेव सिंह, लोग उनको निकनेम में कंपनी बोलते थे, कंपनी आ गए, किसी भी नेता को खड़ा होना होता था, इंदिरा गांधी तक
बात करती थी कि भाई किसको खड़ा करना है, कौन किनको कंपनी सपोर्ट करते थे वही जीता करते थे वहां पर। और वो शादियों में, लड़कियों की शादियों में या जनरल कहीं अन्याय हो तो सबों में सपोर्ट करते थे। जब उनको मारा गया था, सर रामचंद्र भाई उसमें एसपी थे उस समय, जब मारा गया था और स्पेशल टास्क फोर्स वहां से आया था दिल्ली से, और जब भीड़ लगी बेगूसराय में उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए, तो वो पंजाबी ऑफिसर था और रोने लगा और उसने कहा कि इतना पॉपुलर आदमी हमको नहीं पता था, अगर इतना पॉपुलर आदमी है और तब इसको हमने मार दिया तो गलत काम कहीं हमने कर दिया। तो पॉपुलरिटी एंड क्राइम तो दोनों को आप नहीं मिला सकते। पॉपुलर तो आदमी क्राइम करके भी हो सकता है, ये कई एक लोग जो है दिन भर कंबल बांटता, खाना बांटता और रात में क्राइम करता। लवारिस पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने भी इस बात को कहा है, मैं किसी भी हालत में, किसी भी एग्जीक्यूटिव का या किसी भी जिसका आपने नाम लिया, मैं क्रिमिनोलॉजी से काम करने को, मैं हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी कभी परमिट नहीं करेगा। सिविलाइज सोसाइटी, जब आपने कहा पंजाब की बात, पंजाब में केवल केपीएस गिल से काम नहीं हुआ था, पंजाब में बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ था, मैंने उसको पढ़ा है। उसमें जिस समय या किसी भी आतंकवादी संगठन को अगर कमजोर करना है, नेक्स्ट लाइफ को कमजोर करना है, सबसे पहले उसके इनकम के स्रोत को रोकिए आप, कि क्रिमिनल्स अर्न कहाँ से कर रहे हैं पैसे। और आपको तो इसका अच्छा अध्ययन है, जब क्रिमिनल के आय के स्रोत को बंद कर देंगे तब उनको घेरना पकड़ना आसान होगा। जैसे कभी नेक्स्ट लाइट को बिहार में भी और झारखंड में भी कमजोर किया गया है, जो लोग थे आतंकवादी कमजोर, सबसे पहले उसके चूंकि कॉन्ट्रैक्टर्स 20% लिया करते थे, तो पहला सिस्टम तो वही किया गया था। राजीव गांधी जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, के पी एस गिल ने भी अपना स्ट्रॉन्ग रुख दिखाया था और बाद में कुछ थोड़ा सा बदनाम भी हो गए थे कई एक बार एक्शन से, लेकिन वो अलग बात है कि केवल के पी एस गिल नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें थे। रजविंदर सिंह भट्टी साहब भी अपने समय बहुत स्ट्रॉन्ग अफसर थे, उनका इस ढंग का कोई फरमान नहीं आज तक आया, मैंने उसको अभी तक नहीं याद है कि फ्रॉम बीइंग द एएसपी टिल द डीएसपी टिल द डीजीपी कहीं उनका एक ऐसा एक्शन आया जो अमानवीय नजर आया हो, मैंने कहीं नहीं देखा तक उनका। मैं उनसे मिला भी था जब एसपी थे, वो अमानवीय कहीं नहीं है। मैं इस ढंग की बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि कोई शिक्षक दोपहर में टिफिन आवर में धूप सेक रहा हो और सस्पेंड ऐसा एक्शन होगा। ऑलवेज कहा जाता है प्रोपोर्शनेट दंड होना चाहिए। देव प्रकाश सिंह साहब, लेकिन देखिए आपकी ही बात को हम आगे बढ़ाते हैं, के पाठक भी कहीं लाठी नहीं चला रहे, लाठी से नहीं पीट दे रहे हैं, गोली नहीं चला रहे हैं, लेकिन आप पैसा लेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो आपको सस्पेंशन तो लिखता है ना, आपके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन है लिखता है ना। तो वे तो यही कह रहे हैं कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप इसी बात का पैसा लेते हैं, आपकी पदस्थापना चाहे गांव में है चाहे शहर में, नौकरी करनी है तो नौकरी की जो दायित्व तो है वो पूरा कीजिए। हमें एक सी बता दीजिए, गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, क्लियर कट, कहीं कंफ्यूजन आपको भी नहीं होगा। उनके आदेश को अवेल करने का अधिकार है क्या उनके पास? नहीं है ना, उन्होंने अवेल नहीं की थी ना, मंत्री करना पड़ा था ना, क्या ये बातें एग्जीक्यूटिव को शोभा देती है? नंबर दो बात, एक ब्यूजीव उनका 2-3 वीडियो आया है सामने, जिसमें एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर, काफी क्वालिफाइड लोग जो नेत्रहाट के टॉपर थे, अपने समय बिहार के गौरव माने जाते हैं और सारे मुख्यमंत्री उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, फोन पर गाली गलौज की कौन संस्कार करता है? अगर हमें कहा जाए वैसे आदमी को आप कुछ बोल दो हमसे तो इस जन्म में नहीं पार लगेगा, कितनों क्रोध में हम आ जाए तो वैसे आदमी गाली नहीं दे सकते। तो ये कहीं नहीं बताता है, व्हिमसिकल डिसीजन इज नॉट अलाउड इन डेमोक्रेसी एंड इन रूल ऑफ लॉ। ये हम बिल्कुल बताएंगे कि रूल ऑफ लॉ कहीं पर मिल पाए, चीफ जस्टिस को बहुत पावर है, कभी किसी को अब्यूज नहीं करते। और हम लोग बोलते हैं ऑलवेज मिस्टर काउंसिल, बहुत ही पोलाइट बोलते हैं, चाहे जितने चीफ जस्टिस आए हैं या डीएफआई चंद्रचूड़ का भी आप सुनते होंगे, अभी एक बुजुर्ग आदमी गए थे, उनको उन्होंने कहा बैठ करके बोलिए माइक नीचे हम कर देते हैं, दिस इज द सिविलाइजेशन। अगर ये आपके पास नहीं, हम आपको अच्छे प्रशासक कभी नहीं मानेंगे। तो मैंने जहां तक आपको जिस बात से खुशी है, जिस बात से खुशी है वो हमारी दिली इच्छा है कि गांव में स्कूल अगर, चूंकि बिहार का जो मुख्य कैपिटल है वो मैन पावर है, अगर एजुकेशन यहाँ हो जाए, एजुकेशन अच्छे ढंग से हो जाए जिसके लिए सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, गाँव में बच्चे पढ़े तो सबसे बड़ा बिहार का विकास का वही इंजन बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट के तरीके से काम किया जाए, मुख्यमंत्री जिस ढंग से, क्योंकि मुख्यमंत्री इलेक्टेड लीडर है, वो लोकप्रिय नेता है, उनके कई बार इंटरवेन करना पड़ता है, क्यों उनका उनका जो इंटेंट है उनको क्लियर नहीं है लोगों को, क्या वो जब बोलते हैं समझ में नहीं आती वो क्या चाहते हैं? इंटेंट ही स्पष्ट है कि देखिए स्टेट इज वेस्टेड विद द चीफ मिनिस्टर,
स्टेट का सारा शक्ति चीफ मिनिस्टर के हाथ में, और उसका गवर्नर को एड एंड एडवाइस पर काम करना है। कभी कोई डीएम एसपी या और कोई पदाधिकारी अपने को स्टेट समझ लेते हैं तो वो उनकी भूल होगी। स्टेट इज द चीफ मिनिस्टर, वो बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जब केस करते हैं तो द स्टेट ऑफ बिहार लिखते हैं, द यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं, कभी हम लोग किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। और अगर हम काम भी करते हैं कोई, तो हम वही समझ के काम करते हैं। कभी हम लोग इस बात को, अभी एक आदमी का आज ही मैं केस लड़ रहा था, मैं उनके विरोध में केस लड़ रहा था, रिश्ते में हमारी वो चाची लगती है, जब कोर्ट में हमसे मिली तो मैं उनको पैर छू के प्रणाम किया, और हमने कहा चाची कंप्रोमाइज करा लीजिए, हमें आपके विरुद्ध बोलना पड़ता है, तकलीफ होती है। अगर ये आदमी वो भी उनके आंख में भी आंसू आ गया, हमने कहा बचपन में आपके घर आंगन में हमने क्रिकेट खेला था जाकर के, और आज जो है सो हमें आपके विरुद्ध में केस लड़ना पड़ा चूंकि आप ही के घर का आदमी केस किया है, अब बेमतलब का केस है। तो एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं कि वृद्ध आदमी को देखें और हम गाली दे दें, कौन सा संस्कार, कौन सी पढ़ाई, कौन शिक्षा बता रही है? और अगर ये सिखा रहे हैं आप शिक्षा के हेड होकर के, तो कल शिक्षा शिक्षक क्या सीखेंगे? कल वो भी अब्यूजिव हो जाए तो क्या हो जाए? इस ढंग के प्रशासन को, इस ढंग के व्यवस्था को हमारे से रूल ऑफ लॉ को मानने वाला आदमी कभी अप्रूव नहीं करेगा। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं अप्रूव नहीं करेगा, आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर ही मालिक होते हैं, लेकिन देखिए जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, और जनता की आवाज, मैं जब के पाठक की चर्चा करता हूं और यदि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया तो जनता की जो प्रतिक्रिया आती है, जनता की नजरों में वो हीरो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा भी कि यदि के पाठक आज की तारीख में चुनाव लड़े तो चुनाव जीत जाए, ये संभव है, तो जनता उन्हें हीरो मान रही है, और जनता ये मान रही है कि जो वे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों बच्चों का एक पब्लिक ओपिनियन देखा कि पांचवी कक्षा छठी कक्षा के बच्चे जो मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता रहे थे, प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता रहे थे, वे के पाठक को जान रहे थे, और इसलिए जान रहे थे कि उन्हें यह पता चल गया था कि हमारे स्कूल को कोई चला रहा है तो वो के पाठक नाम का कोई आदमी है। और जब से के पाठक का नाम गूंज रहा है तब से मास्टर साहब पढ़ाने आ रहे हैं, हमें भी क्लास में बैठना पड़ रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं। तो जनता का हीरो, जनता कह रही है नहीं, जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, तो जनता के ही तो प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री, तो उन्हें भी तो जनता की ही बात सोचनी होगी। और आखिरकार यह किसके लिए हो रहा है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए? बिहार में आपको मैं रोकता हूं, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। आपको वह तस्वीर भी याद होगी, पूरी दुनिया में बिहार की बदनामी हुई थी जब दीवार के बाहर कदाचार कराने वाले लोग किस तरह से लटके और झटके हुए थे। देखिए हमारी चिंता, आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि परीक्षाओं में कदाचार जहां जितना बढ़ गया, अभी तो कदाचार कराने वाला कोई मिल जाता है, लेकिन अगली पीढ़ी सब जब सारे चोरी हो जाएंगे, चोरी से परीक्षा पास किए रहेंगे, तो चोरी कराने वाला भी कौन रहे? तो जनता मान रही है कि के पाठक जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देखिए जनता की जब पॉपुलैरिटी को एक मानकता आप मान लेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ वही है, आप बहुत सारे लोगों को बिहार में जानते हैं कि एमपी और एमएलए हैं, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, गॉड भी पॉपुलर होते हैं और डेमी गॉड पॉपुलर होते हैं। एक आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी करेक्टर है, और बहुत सारे डेमी गॉड भी हैं इसमें, जिनका बहुत नेगेटिव नोटोरिटी सी है। नोटोरियस एक व्यक्ति होता है, पूरे मोहल्ला में सब जानता है उसको, हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी को ना जाने, पूछे नाम कि भाई फलाना बाबू कहाँ था नहीं बता, लेकिन एक नोटोरियस लड़का गाँव में अगर पैदा ले लिया तो उसको पूरे इलाका जिला में सब जानता है। पॉपुलरिटी को लेकर के मानकता आप नहीं बना सकते, उनको सब जानता है और इस ढंग एक्टिविटी करते हैं। जानना है तो मुख्यमंत्री बिहार को जानो, जानना है तो गवर्नर बिहार को जानो, जानना है तो स्टेट को जानो। खजाना स्टेट का जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है। जहां तक आपका उद्देश्य का बात है, शिक्षा अच्छी हो, कदाचार रहित हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसको जरूर कराया जाए पालन तरीके से, हो बिहार का सबसे ज्यादा उसी में भला होगा, लेकिन मैनेजमेंट और लीडरशिप से कराया जाए, न कि तुगलकी फरमान से कराया जाए। नहीं तो के पाठक को अपने भीतर क्या सुधार करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि इस रास्ते को वे छोड़ दें, इस रास्ते को वे अपना लें? देखिए आप बहुत बोल रहे हैं, के पाठक लीगल नोटिस भी बहुत भेजते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। खैर आप स्वयं वकील हैं, आपको भेजेंगे तो क्या होगा, लेकिन क्या रास्ता वे अख्तियार करें? क्योंकि बिल्कुल बिहार की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में, जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो हम फक्र करते हैं इतने बिहारी, लेकिन मालूम होता है बिहार बोर्ड का पढ़ा हुआ कोई नहीं, बिहार के स्कूलों का कोई नहीं, सीबीएसई बोर्ड
या फिर दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, बाहर पढ़ने वाले बच्चे, तो स्कूलों को सुधारना तो होगा ना। जयप्रकाश सिंह साहब, लोग जो प्यार एडवोकेट को लेते हैं तो पहला कंडीशन रखते हैं कि सीबीएसई पढ़ा हुआ लड़का होना चाहिए और फाइव ईयर्स का भी रखते हैं बिहार विद्यालय, जबकि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रोडक्ट हैं, लेकिन तब भी हम नहीं चाहते हैं बिहार परीक्षा, क्योंकि उसके बाद जो पूछते हैं कुछ जवाब नहीं दे पाता है, आता कुछ नहीं है, लेकिन पहले सब प्रोडक्ट थे, वो स्टैंडर्ड भरे, उसमें कहां दो मत है, उसमें कहां हम डिफर कर रहे हैं। हम व्यवस्था इसकी बात कर रहे हैं कि व्यवस्था से काम हो, मैनेजमेंट से काम हो, और एक जो लोकप्रिय सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से काम हो, न कि केवल अब ARS टीचर सस्पेंड कर दिए, उसका सैलरी बंद कर दिए, उसका ये बंद कर दिए, ये तरीका नहीं है काम करने का, प्रशासन ऐसे नहीं चलता। क्या तरीका करें, क्या तरीका अपनाएं, आप ही बताइए ना। हमारे समय में जो शिक्षा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हुआ करते थे, वो क्या के पाठक ऐसे व्यवहार करते थे क्या? आप अपने बहुत हेड मास्टर का नाम सुने होंगे, जो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी थे, जो किसी को नहीं लगाते थे, डीओ को भी नहीं, बहुत सारे हेड मास्टर थे उस समय। हमारे समय में सुदर्शन बहु TNV कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका इतना नाम था, वाइस चांसलर उनसे पूछता था। तो हम कहते हैं कि स्कूल का हेडमास्टर नाम ही हो, वो क्या पाठक ऐसा व्यक्ति हो जाए तो ज्यादा अच्छा, गाली गलौज ना करे, वो स्ट्रॉन्ग आदमी। नेताओं का दखल ही खत्म कर देता है ना, वे कह देते हैं कि इसे ही यहाँ रखो। तो नेताओं से जब तनातनी होगी पदस्थापना के सवाल पर, स्थानांतरण के सवाल पर, तो बात तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। के पाठक तन रहे हैं, इसीलिए शिक्षा मंत्री भी नाराज है। आप भी जानते हैं कि राजनेता कैसे दखल देते हैं, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था 1990 में कैसे ध्वस्त हुई, इसकी जानकारी भी आपको है। देखिए, अंग्रेज के समय में भी जिनका वेतन कम होता था, उनको कहा जाता था 30 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग की जाए, जो अंग्रेज समय की हम बात करें, उसमें लिखा हुआ था। आज भी है, और बिहार सरकार में भी है, जिनका वेतन कम है उनको कहा जाता है कि 2-3 प्रेफरेंस ले लीजिए डिस्ट्रिक्ट का, ना हो घर में हो, घर के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में कर दीजिए। अगर किसी शिक्षक को जिसको 25-30 हज़ार वेतन मिल रहा है, 40 हज़ार मिल रहा है, उसको आप भेज देंगे कहीं से कहीं, तो उसका 15-20 हज़ार तो रहने सहने में खर्चा हो जाएगा, और 10-10 हज़ार खर्चा हो जाएगा, बच्चेगा क्या, परिवार कहाँ से चलाएगा। घर में अगर पोस्टिंग करते हैं तो वो ढंग से अब समय भी दे पाएगा, पढ़ाई भी करेगा, रोज छुट्टी लेकर घर भागते रहेगा। इन बातों को भी देखना चाहिए। शिक्षक प्राय लोकल भाषा वाले जो रहते हैं वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। आपको भी याद होगा, हम लोग समझो शिक्षक थे हाई स्कूल में, वो सब 30 किलोमीटर के अंदर वाले ही थे। आप अगर याद करके देखें, कोई विदेश से नहीं आए थे पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ, कुछ एक बंगाली लोग थे जो अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, हमारे समय लोग भी थे, लेकिन लोकल थे वो, बाहर रहने वाले नहीं हुआ करते थे। बात को बहुत ध्यान से, गंभीरता से की बात है, और मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विद से चलेगा, न कि लाठी से चल सकता है। आर्मी रूल नहीं है, तब तो फिर जनरल डायर को बोला ले आइए ना, लेफ्टिनेंट जनरल को बिठा दीजिए। अभी बीच में बिहार सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि सारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हम लेफ्टिनेंट कर्नल को बनाएंगे, क्या हुआ? आपको इस बात को पता है कि नहीं पता है? सब फेल कर गए। शिक्षा की व्यवस्था लाठी से नहीं चल सकती, शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विद से ही चल सकती व्यवस्था। और शिक्षा में क्या सख्त, हमारे पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एकदम सख्त आदमी थे। हम लोग आज तक उनके विचार से 6 बजे ज्यादा लेट तक सो नहीं सकते थे। उनके समय में हमें याद है, कॉलेज में निकलते थे तो लड़के सब क्लास में घुस जाते थे, क्या मजा को टीचर क्लास में ना हो, किसी को 5 मिनट होता घड़ी दिखा दिया करते थे। क्या वो समय में लोग नहीं थे? और आज क्या लोग ठिकना पैदा लेना शुरू हुए हैं? आज भी अच्छे लोग हैं, व्यवस्था क्रिएट किया जाए, अच्छे शिक्षक को लाया जाए, और वो जो गौरव था बिहार का शिक्षा का, जो लोग बाहर जाके पढ़ के हो रहे हैं, वो बिहार में हो जाए, तो वो स्वर्णिम दिन बिहार के लिए होगा। लेकिन इस व्यवस्था से आखिरी सवाल लेते हैं, के पाठक को कल शिक्षा विभाग में लौटना है, अपर मुख्य सचिव के तौर पर उन्हें लौटना चाहिए आगे? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, शिक्षा मंत्री भी चाह रहे हैं, कई विधान पार्षद, कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, पत्र लिखा है, तो के पाठक को कंटिन्यू करना चाहिए, के पाठक को शिक्षा विभाग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नीतीश कुमार को क्या फैसला करना चाहिए आपकी राय में? मेरा इसमें कोई विचार नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रस्थापना और रहने से मेरा कोई विचार नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानते। अगर वो आ जाए, अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा अपना बिहेवियर मैनरिज्म थोड़ा सा चेंज कर लें तो और ही अच्छा हो जाएगा। उनमें तो 80% तो गुण ही गुण है, केवल 20% काल में बदनाम हो जाते हैं वो, तो 80% केवल गुण है उनके अंदर जो अच्छा काम। हम लोग भी मानते हैं और सब लोग जहाँ डिस्कस करते सब लोग बोलते हैं उनका ज्यादा काम तो अच्छा काम है,
कुछ एक गलतियों कारण का बदनामी ज्यादा हो जाती है, वो आ जाए ना आ जाए इस पर हम न्यूट्रल रखेंगे, कोई अपना विचार देना हम पसंद नहीं करेंगे। चलिए, तो आज सुबह की चाय देव प्रकाश सिंह साहब के साथ आपने पी, और के पाठक जो अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।